टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, भगवान हमें जो कुछ देते हैं, जैसा देते हैं, हमें उन सभी परिस्थितियों में खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा चूहा जो इधर उधर के घर का खाना खाकर खुश रहता था, आराम से मजे से घूमता था। एक बार की बात है, एक बिल्ली ने उसे देखा और वो उसके बुरी तरह पीछे पड़ गई उसको खाने के लिए। चूहा इधर से उधर भागता रहा और कैसे भी करके उसने अपनी जान बचाई। जब वो छुपा हुआ था तो भगवान से शिकायत कर रहा था कि हे भगवान, आपने मुझे एक छोटा सा चूहा क्यों बनाया? अगर आपने मुझे एक बिल्ली बनाया होता तो शायद मैं इस तरह किसी से भाग नहीं रहा होता। भगवान को भी उस चूहे पर दया आ गई तो भगवान ने उसे एक बिल्ली बना दिया। अब वो मजे से घूमता था और सब जगह आराम से चला जाता था। लेकिन एक दिन किसी कुत्ते ने उसे देख लिया और कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। किसी भी तरह बिल्ली ने भागते भागते अपनी जान बचाई और एक जगह जाकर छुप गई और छुपते छुपते फिर भगवान से शिकायत करने लगी कि भगवान, आपने मुझे बिल्ली क्यों बनाया? काश अगर मैं एक कुत्ता होता तो शायद मुझे इस तरह डर के भागना नहीं पड़ता। भगवान को भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, इसको एक कुत्ता बना देते हैं। अब वो कुत्ता बन गया था, कुत्ता बनके आराम से घूमता रहता था। और इसी तरह घूमते घूमते एक दिन वो एक जंगल के पास चला गया। अचानक शेर उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। भागते भागते किसी तरह एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गई और ये सोचने लगी कि भगवान ने फिर मेरे ऊपर एक अन्याय किया है। अगर मैं शेर होता तो आज जंगल का कोई भी जानवर मुझे नहीं डरा सकता, मैं आराम से निडर होकर इस जंगल में विचरण कर रहा होता। तो भगवान ने उसे एक शेर भी बना दिया और इस तरह उसकी सारी इच्छाएं भगवान पूरी करते जा रहे थे। लेकिन वो है कि संतुष्टि नहीं हो रहा था। अब वो पूरे जंगल में आराम से घूमता था, जंगली जानवर उसे थर थर कांपते थे और इस बात को देखकर उसे बड़ा ही मजा आता था और वो खुश भी रहने लगा। लेकिन उसकी ये खुशी भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया और उस शिकारी का निशाना कभी भी नहीं चूकता था। सब जंगली जानवर इधर से उधर भागने लगे। जो शेर सबको डराता फिरता था वो भी अब उससे डरने लगा था। भागते भागते कैसे भी शेर अपनी गुफा में जाकर छिप गया और छिपते हुए उसने भगवान से बड़ी ही शिकायती आवाज में कहा कि भगवान, आपने मुझे एक जंगली जानवर क्यों बनाया? मैं तो सोचता था कि मैं ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। अगर आपने मुझे एक इंसान बनाया होता और मैं अगर एक शिकारी होता तो सभी जानवर मुझसे डर के भाग रहे होते और मुझे किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। भगवान ऊपर से सब नजारा देख रहे थे और भगवान ने मन ही मन सोचा कि ये कैसा मूर्ख प्राणी है, इसको जब जितना मिला उसमें ये कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। शायद ये उन चीजों के लायक ही नहीं है जो मैं इसे इतने वक्त से दे रहा हूँ। और इस तरह भगवान ने उसे वापिस एक चूहा बना दिया। चूहा बनने के बाद वो प्राणी अपने आप पर बहुत ज्यादा पश्चाताप कर रहा था कि काश मैंने भगवान से कोई शिकायत नहीं की होती, जो मैं हूँ जैसा, अगर उसी में मुझे खुशी मिलती तो वापिस मैं एक चूहा नहीं बनता। तो इसी तरह दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान ने जो हमें दिया है हमें उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और हमें किसी भी चीज को लेकर कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।